हेलो दोस्तों, हिंदी माला स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेहनती पिता और बेटे की तरक्की की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपू एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। दीपू ने बड़ी आसानी से पहला इंटरव्यू तो पास कर लिया। फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था और उसे यह तय करना था कि दीपू को नौकरी पर रखा जाए या नहीं। डायरेक्टर ने दीपू का रिज्यूम देखा और पाया कि पढ़ाई के साथ साथ दीपू खेल कूद में भी हमेशा अव्वल ही रहा है। डायरेक्टर ने उससे कुछ सवाल जवाब पूछने शुरू करे। डायरेक्टर कहता है, क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी छात्रवृत्ति मतलब कि स्कॉलरशिप मिली थी? जी नहीं सर। इसका मतलब कॉलेज की फीस तुम्हारे पिताजी अदा करते थे? जी हाँ सर। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? जी वह लोगों के कपड़े धोते हैं। यह सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, जरा अपने हाथ तो दिखाना। दीपू के हाथ काफी मुलायम और नाजुक थे, तो डायरेक्टर ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी कपड़े धोने में तुम्हारे पिताजी की मदद की है? दीपू बोलता है, जी नहीं सर। मेरे पिता हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज्यादा से ज्यादा किताबें पढूं। हाँ सर, एक बात और, मेरे पिताजी बड़ी तेजी से कपड़े धोते हैं। ये सब सुनने के बाद डायरेक्टर ने दीपू से बोला, क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूँ? जी सर। आज घर वापस जाकर अपने पिताजी का हाथ धोना, फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलना। दीपू यह सब सुनकर खुश हो गया। उसे लगा कि अब तो नौकरी पक्की, तभी तो डायरेक्टर कल फिर से बुला रहे हैं। दीपू ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिताजी को ये सारी बातें बताई और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को हैरानी तो हुई, लेकिन फिर भी उसने बेटे की इच्छा का मांग करते हुए अपने दोनों हाथ दीपू के हाथ में दे दिए। दीपू ने पिता के दोनों हाथों को धोना शुरू किया। कुछ देर में ही धोने के साथ ही उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पिता के हाथ एकदम सख्त और जगह जगह से कटे हुए थे। जब भी कटे हुए हिस्से पर पानी पड़ता था तो चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ झलक जाता था। दीपू को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि यह वही हाथ है जो रोज लोगों के कपड़े धो धोकर उसके लिए अच्छा खाना, कपड़े, स्कूल की फीस का इंतजाम करते थे। पिता के हाथ का हर घाव सबूत था उसकी तरक्की का। पिता के हाथ धोने के बाद दीपू को पता ही नहीं चला कि उसने उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े भी एक एक करके धो डाले। उसके पिता उसे रोकते ही रह गए, लेकिन दीपू अपनी धुन में कपड़े धोता ही चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफी देर तक बातें की। अगली सुबह दीपू फिर नौकरी करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचा। डायरेक्टर का सामना करते हुए दीपू की आंखें थोड़ी गीली थी। डायरेक्टर कहते हैं, तो फिर कैसा रहा कल घर पर? क्या तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? जी सर। कल मैंने जिंदगी का एक सच्चा सबक सीखा। और दोस्तों, ये सबक हम सबके लिए भी है। पहला, संघर्ष क्या होता है। मेरे पिता ना होते तो मैं पढ़ाई में इतना आगे नहीं आ सकता था। दूसरा, पिता की मदद करने से मुझे पता चला कि किसी भी काम को करने के लिए मेहनत चाहिए। तीसरा, मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार महसूस की। यह सब सुनकर डायरेक्टर बड़ा खुश हुआ और डायरेक्टर ने बोला, यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं ये नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मेहनत की कदर करे, ऐसा व्यक्ति जो काम के दौरान दूसरों की तकलीफ भी महसूस करे। मुबारक हो, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। कल मिलते हैं फिर एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।